बार फिर आपका स्वागत है सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। आइए सबसे पहले जान लेते हैं देश और प्रदेश के आज के मुख्य समाचार, उसके बाद हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरें। लेकिन ये सब जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए कि आप रात के 9:30 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं सच न्यूज नेटवर्क के माध्यम से और जान सकते हैं आज के यानी कि जम्मू कश्मीर के टॉप 10 हेडलाइंस। इसी के साथ लेटेस्ट न्यूज एंड वीडियोस जानने के लिए आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप का लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और हमारी वीडियोस को जरूर आगे शेयर करते रहे। और अब आइए जान लेते हैं क्या है दिन का पहला मुख्य समाचार। पहला समाचार, मेडिकल कॉलेज में फूटा कोरोना का बम। जम्मू कश्मीर से अगला समाचार, हैदरपुरा एनकाउंटर में SIT सिट ने सुरक्षा एजेंसी को दिए क्लीन चिट। तीसरा समाचार, महिलाओं के लिए तालिबान का एक और फरमान, कोई भी तोड़ा नियम तो खैर नहीं। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली से येलो अलर्ट जारी किया गया और सख्त की गई कोरोना गाइडलाइंस। पांचवा समाचार, जानकारी हो, पीएम मोदी बोले भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा। चलिए आइए इन समाचारों को थोड़ा विस्तार से सुन लेते हैं। पहला समाचार, कोरोना का रिस्क बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के संगाली जिले में एक साथ MBBS के 31 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित पाए गए। अगला समाचार, जम्मू कश्मीर से हैदरपुरा एनकाउंटर से जुड़ा बड़ा अपडेट, सिद्ध ने कहा कि अल्ताफ को पाकिस्तानी आतंकी ने ढाल की तरह इस्तेमाल किया, क्रॉस फायरिंग में गई जान और सिक्योरिटी फोर्सेस को क्लीन चिट दी गई। जानकारी हो, अफगानिस्तान में महिलाएं या पुरुष रिश्तेदार के बिना लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर पाएंगी। तालिबान अधिकारियों ने नया फरमान जारी करते हुए कहा कि 32 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर रही महिला के साथ करीबी पुरुष रिश्तेदार का होना अनिवार्य है। दिल्ली से इस वक्त का सबसे बड़ा समाचार, कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यहां येलो अलर्ट लागू कर दिया है। नाइट कर्फ्यू के अलावा और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई गई। और अब पांचवा समाचार, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा, पीएम मोदी ने ये कहा और इसी के साथ IIT के छात्रों को इसका क्रेडिट दिया। और अब चलिए आइए एक और नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरों पर, यानी दिन भर की टॉप 10 हेडलाइंस, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के टॉप 10 हाइलाइट्स। पहली खबर, जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दूसरी खबर, लेह लद्दाख से सामने आई, जहां पर लोगों को राहत देने के लिए दूर दराज वाले इलाके में शुरू की गई हेलीकॉप्टर सर्विसेज। कारगिल के चिकतन गांव में पवन हंस हेलीकॉप्टर उतारने का ट्रायल कामयाब। तीसरी खबर बताते चले, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 24 पुलों और सड़कों को वर्चुअल किया लोकार्पण। जम्मू कश्मीर के 9 और लद्दाख के 5 पुल भी शामिल। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले से अगली खबर, जहां पर जिला शिक्षा अधिकारियों ने सोमवार को सरकारी टीचर्स द्वारा ट्यूशन सेंटर्स पर प्राइवेट कोचिंग के पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए। छात्रों के लिए बड़ी अपडेट, JK बोस ने 20 जनवरी तक कश्मीर में कक्षा 12वीं के एनुअल नियमित एग्जाम्स 2021 के रिजल्ट्स अस्थायी रूप से निर्धारित किए हैं। आज की बड़ी खबर बताते चले, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग द्वारा आज तहसील भाव में 150 कनाल भूमि प्राप्त की गई। जम्मू कश्मीर की सातवीं बड़ी खबर, कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस पर लहराया पार्टी का फ्लैग, जनहित मुद्दों पर अभियान छेड़ने का लिया संकल्प। आठवीं खबर बताते चले, जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप इलाके में सीजन की पहली बार हुई बर्फबारी के साथ ही टूरिस्ट ने सफेद कंबल से ढकी घाटी का मनमोहक नजारा देखा। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के बारामूला से, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहला NSQAS प्रमाणित सार्वजनिक अस्पताल मिला। और अब 10वीं और आखिरी खबर बताते चले, किसान आंदोलन के चलते आज 24 ट्रेनें रद्द की गई, 17 से शॉर्ट ओरिजिन और 9 शॉर्ट टर्मिनेट की गई। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, ये था आपके समक्ष जम्मू कश्मीर के दिन भर की खबरें, यानी दिन भर के टॉप 10 हाइलाइट्स जो हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं। ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे सच न्यूज नेटवर्क के साथ, हमारे साथ लाइव जुड़िए और हमारी वीडियोस को जरूर आगे शेयर करते रहे और आप लाइक एंड कमेंट भी कीजिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि।